हेलो एवरीवन, मेरा नाम शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे हॉट टॉपिक के बारे में जो आजकल हर किसी के दिमाग में चल रहा है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मार्केट में आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि आप मार्केट में जाएं और कोई ऐसा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ले आएं जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ही नहीं, या फिर कल को आपको कोई समस्या होती है तो आप किसके पास जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स खरीदते समय ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं ताकि आपको आज या फ्यूचर में कोई भी समस्या ना हो। अगर कोई आपको इशू होता भी है तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए जल्द से जल्द। तो इस वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करूंगा जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एकदम नया कॉन्सेप्ट है, मार्केट में इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहले होते हैं लो स्पीड टू व्हीलर्स और दूसरे होते हैं हाई स्पीड टू व्हीलर्स। इसमें जो लो स्पीड टू व्हीलर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 40-50 किलोमीटर पर आवर होती है। और आपको बता दूं सबसे खास बात, ये वाले टू व्हीलर्स काफ़ी लाइट होते हैं और इनके लिए ना तो आपको डीएल की रिक्वायरमेंट है, ना आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और आपको फ्यूचर में इसके इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। ये काफी बढ़िया होते हैं और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, ये वाले नॉर्मल अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जिनके लिए आप सोच रहे हैं कि उनको ट्यूशन वो जाते हैं या स्कूल जाते हैं और उनके लिए आप दिलवाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, काफी बढ़िया चीज है। लेकिन दूसरी तरफ आ जाते हैं हाई एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जिनकी स्पीड भी काफी बढ़िया होती है और उनकी कैपेबिलिटी भी ज्यादा होती है, उसमें आप भी ट्रेवल कर सकते हैं और आपके साथ अगर आप उसमें एक्स्ट्रा लोड कैरी कर रहे हैं तो वो भी आप ट्रेवल कर सकते हैं और उसमें आपका इंश्योरेंस भी लगता है और उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन भी होती है और उसमें आपको डीएल की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बारे में। अब वो छोटे छोटे पॉइंट्स जानते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कॉस्ट या प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। तो अभी जो मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी उसमें पहली थी लो स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। तो लो स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अगर आप लेने जाते हैं मार्केट में तो उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 50,000 के आसपास आपको पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया वो किन रीजन से या किस काम के लिए वो सही रहेगी। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके आप छोटे मोटे काम के लिए उनको दिला रहे हैं तो उसमें वो सही रहेगी। अगर आप अपने सिटी ट्रैवल के लिए आपका कुछ ऐसा काम है उसके लिए आप कंसीडर करना चाह रहे हैं तो आई थिंक उसके लिए वो सही नहीं रहेगी। तो इसमें कॉस्ट उसकी 50,000 होती है। वहीं आप जितने हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की तरफ जाना चाहेंगे उसकी प्राइस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो अब आप देखिए क्या ये आपके बजट के हिसाब से फिट बैठ रहा है और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। जब प्राइस आप डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है ब्रांड्स। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं आपको बता दूं मार्केट में काफी चाइनीज ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा चाहे उन चाइनीज ब्रांड के बारे में आपको कितनी ही अच्छी बातें सुनने को मिले, आप हमेशा उन ब्रांड्स के साथ जाइए जिनका नाम आपने पहले सुना हुआ है, जो इंडस्ट्री में इंडिया में काफी टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि हीरो इलेक्ट्रिक, बजाज, टीवीएस, ऐसी काफी सारी कंपनीज है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए कल को आपको कोई भी इशू आता है और मान लीजिए आप एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करते हैं और मान लीजिए जिस सिटी में आप पहले थे जहां से आपने वो मॉडल खरीदा है वहां तो उसका सर्विस सेंटर था, लेकिन आप दूसरी सिटी में चले गए वहां पर कोई सर्विस सेंटर ही नहीं है, तो ऐसे में काफी दिक्कत हो जाएगी अगर आप चाइनीज ब्रांड्स के साथ जाते हैं। जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम मैंने आपको बताए हैं इनका जो नेटवर्क है वो इंडिया में काफी पुराने टाइम से है, तो इनके जो सर्विस सेंटर्स हैं वो आपको ढूंढने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। कल को आपको कोई भी इशू आता है तो आप इनके सर्विस सेंटर पर विजिट कर सकते हैं और अपने इशू को रिजोल्व करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसिडर करना होता है वो है स्पीड। अब आपको मैं बता दूं कि मैं ज्यादातर सोलर पैनल्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं और एक वीडियो मैंने बनाई थी फेक सोलर पैनल्स के ऊपर, तो वो फेक सोलर पैनल्स नहीं थे, वो अंडर पावर्ड सोलर पैनल्स थे जिनको बताया जाता है कि ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी या इतना करंट जनरेट करते हैं लेकिन एक्चुअल में वो उतना नहीं करते। सेम केस होता है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के साथ भी। तो इसमें आपको काफी सारे ऐसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मिल जाएंगे जिनकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 50-60 किलोमीटर ही होती है, उससे ऊपर वो नहीं जाते। तो अब आप देखिए क्या 50-60 किलोमीटर इतनी मैक्सिमम स्पीड के साथ आप आगे जाना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो मार्केट में काफी जो बड़े बड़े ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अवेलेबल हैं उनकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 70-90 किलोमीटर होती है। तो आई थिंक जो स्पीड वाला पॉइंट है ये आपको ध्यान से देखना होगा। इसमें आप टेस्ट ड्राइव करके देख सकते हैं, जब आप डीलर के पास जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं तो वहां पर टेस्ट ड्राइव करके देखिए अच्छे से अपनी चीज को, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब वो फुलफिल करती है आपको तभी आप उसको परचेज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है राइडिंग रेंज। राइडिंग रेंज का मतलब है कि जब आपके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बैटरी फुल चार्ज है उसको आप कितनी दूर तक मैक्सिमम चला सकते हैं। तो जो दो कैटेगरी
कैटेगरी मैंने बताई थी, उसमें पहले वाली जो कैटेगरी है स्लो स्पीड वाली, उसमें मैक्सिमम 50 किलोमीटर की रेंज ही आपको मिलती है, तो आप 50 किलोमीटर के आसपास ही उसको चला सकते हैं। लेकिन जो हाई स्पीड वाले टू व्हीलर्स होते हैं उनमें जो रेंज है वो बढ़ जाती है, 70-80 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिलती है, और इसमें अगर बैटरी पैक आपको और थोड़ा बड़ा मिलता है तो उसमें 150 किलोमीटर तक की रेंज भी आपको मिल जाती है। तो जिस भी ब्रांड का आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंसीडर कर रहे हैं उनसे पूछिए कि इसमें रेंज कितनी है, राइडिंग रेंज कितनी है, कितनी ज़्यादा टाइम तक आप इसको चला सकते हैं, कितने ज़्यादा किलोमीटर तक दूरी तक आप इसको चला सकते हैं एक बारी के फुल चार्ज में। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है बैटरी एंड बैटरी लाइफ। वैसे तो जितने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उन सब में आपको लिथियम आयन बैटरी ही मिलेगी, लेकिन फिर भी एक बार आप अपने डीलर से पूछिए क्या इसमें लिथियम आयन बैटरी का ही यूज़ है, और उसके बाद उसकी लाइफ के बारे में पता कीजिए कि उसकी लाइफ पर आपको वारंटी कितनी मिल रही है। यूजुअली इसमें 2-3 साल तक की आपको वारंटी मिलती है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं जो इसकी बैटरी है वो काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं इनमें जो बैटरी की कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्यूचर में मान लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है जिसमें आपको पता चलता है कि आपके जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है उसकी बैटरी बिल्कुल ख़राब हो गई है और आपको नई लेनी पड़ेगी, तो मैं आपको अभी से बता दूं कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की जो टोटल कॉस्ट होती है लगभग उसकी 40% और 50% तक की कॉस्ट की आपको खाली बैटरी बैटरी पड़ती है। तो अगर आप नई बैटरी फ्यूचर में लेंगे कुछ सालों के बाद, मान लीजिए कुछ इशू हो गया और आपको नई बैटरी लेनी पड़े लिथियम आयन बैटरी, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो आपकी टू व्हीलर की कॉस्ट के 40-50% के अराउंड होने वाली है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है वो है मोटर पावर। मोटर पावर क्या होता है? ये होता है आपकी मोटर की वोल्टेज। तो अपने डीलर से पूछिए कि जो इसमें मोटर है उसकी वोल्टेज कितनी है। अब उससे क्या होता है? उससे ये होता है, मान लीजिए आपकी बॉडी का जितना वेट है और आप जिस एरिया में उस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को यूज करेंगे उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आपका वेट उठा के आपको इजीली मूव करा सकती है एक जगह से दूसरी जगह पर या नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई 50 किलो का व्यक्ति है और वो फ्लैट रीजन में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यूज करने वाला है। फ्लैट रीजन यानी कि जो दिल्ली गुड़गांव वाला जो फ्लैट एरिया होता है, मतलब ऐसे आसपास का जो एरिया होता है, तो वहां पर जो पूरा फ्लैट एरिया है वहां पर अगर वो उसको मूव कराना चाहता है तो 250 वॉट तक की जो उसकी मोटर है वो उसके लिए इनफ है, 50 किलो के वेट के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए अगर आप वेट बढ़ा देते हैं, कोई व्यक्ति है जो 70-80 किलो का है, तो उसके हिसाब से 250 वॉट जो है वो थोड़ा कम पड़ेगा, उसको 400 वॉटेज की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पर अगर हम केस को उल्टा कर देते हैं कि 50 किलो का ही व्यक्ति है लेकिन अब उसको फ्लैट सरफेस पर नहीं, उसको हिली एरिया में अपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चलानी है, तो ऐसे में जो 250 वॉट है वहां पर वो भी कम पड़ेगी, वहां पर अगेन उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी 400 वॉट। मार्केट में जो मोटर्स हैं वो काफी ज्यादा आपको मिलेंगी, 250 वॉट से स्टार्टिंग हो जाती है और मैक्सिमम आपको 400-500-700-1000 वॉट तक की मोटर भी आपको मिल जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करने चाहिए अपने वेट के हिसाब से, जिस एरिया में आप उस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को यूज करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है चार्जिंग स्टेशंस। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आप किसी चाइनीज ब्रांड के साथ जा रहे हैं तो उनका जो सर्विस नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। अब मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीद के ले आते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जितने भी ये ब्रांड्स हैं ये सब ज्यादातर आपके घर पर एक प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन सेटअप करके तैयार करके आपको देंगे ताकि आप अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को अपने घर पर चार्ज कर सकें। पर मान लीजिए कभी आप घर से बाहर गए हैं और थोड़ा दूर चले गए और जो बैटरी है वो उस टाइम पर एकदम जीरो हो गई, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने किसी बढ़िया ब्रांड से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लिए तो उनका जो नेटवर्क होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। हर सिटी में आपको काफी सारे उनके डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं, तो आप सिंपली उनके स्टेशन पर जाकर अपने जो आपका टू व्हीलर है उसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी चाइनीज ब्रांड्स के साथ जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज गो फॉर ब्रांडेड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ताकि वहां पर आपको चार्जिंग स्टेशन की जो सुविधा है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको ध्यान में रखना है वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, जैसे नॉर्मल आपके टू व्हीलर्स होते हैं लाइक स्कूटर या बाइक, उसमें आपको टाइम टू टाइम उनको सर्विस कराना पड़ता है जिसमें इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ता है और ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं, और नॉर्मल आपके आसपास आपको मैकेनिक मिल भी जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होती हैं उसमें ऐसी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी जहां से भी आप खरीद रहे हैं, जो भी मॉडल आप खरीद रहे हैं, एक बार डीलर से चेक कीजिए कि क्या इसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर है तो कितनी है, क्या क्या इश्यूज इसमें आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर सेल सपोर्ट। तो इसमें अगेन मैं आपको फिर से वही लाइन कहूंगा, जो ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े जिनका नेटवर्क सर्विस नेटवर्क काफी स्ट्रांग है इंडिया में, उनके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से आप खरीदिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी लेकिन मैं बता देता हूं, नॉर्मल जो आपके स्कूटर और बाइक होते हैं अगर उनमें कोई इशू आता है तो आप लोकल मैकेनिक के पास जाते हैं और वो इजीली उसको सही करके दे देता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं इनको लोकल मैकेनिक भी अभी अच्छे से नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं समझते हैं, तो वो आपको इतनी इजीली इसकी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ऐसे में आप किसी भी चाइनीज ब्रांड के साथ मत जाइए, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई इशू आता है और वो आप
आपको पता है इशू तो आता ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनी कि जिसमें कोई इशू ना आता हो, तो इशू तो आते ही हैं, और ये तो रोड पे चलने वाली चीज़ है, कुछ भी इशू आ सकता है। तो ऑलवेज गो फॉर बिग ब्रांड्स जिनका इंडिया में काफ़ी नाम है, उनका जो सर्विस नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कोई इशू आता है तो आप उनके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं और उसको इशू को रिजॉल्व करा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बिल्ड क्वालिटी। वैसे तो मैं बता देता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको ब्रांड्स के नाम बताए थे, हीरो, बजाज, टीवीएस, तो इन ब्रांड्स के आपने जो कन्वेंशनल टू व्हीलर्स हैं वो देखे ही होंगे, स्कूटर, बाइक्स, इन ब्रांड्स की इजीली अवेलेबल हैं। तो इन्हीं ब्रांड्स के जब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आते हैं तो इन्होंने सेम पार्ट्स को यूज करने की कोशिश करी है, तो बिल्ड क्वालिटी ऑलवेज इनकी बढ़िया होने वाली है। लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए, जब भी आप जा रहे हैं तो टेस्ट ड्राइव तो आपको मिलेगी, तो टेस्ट ड्राइव लीजिए, चला के अच्छे से देखिए, उसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए कितना वो मजबूत है, और अलग अलग ब्रांड्स के ट्राई करके देखिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, जिसका आपको सबसे बेस्ट लगता है उसके साथ आप जाइए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वारंटी का। तो अभी मैंने आपको शुरू में बैटरी के बारे में बता दिया था, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ और पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। वारंटी का क्या सीन है, जो आपकी बैटरी है उस पर आपको लगभग 2 से 3 साल की वारंटी मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी सारे जो ब्रांड्स होते हैं उनकी जो वारंटी है उस पर काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो जब भी आप कोई टू व्हीलर खरीद रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से चेक कीजिए कि वारंटी के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। प्रो रेटा वारंटी एक चीज़ होती है जो ब्रांड्स आपको बताते नहीं है यूजुअली, तो वो आपको अच्छे से समझनी होती है। अगर आपको वो समझनी है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है प्रो रेटा वारंटी के ऊपर, आप वो वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उसका थंबनेल दिख रहा होगा और लिंक दिख जाएगा ऊपर आई बटन पे आपको, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो आप प्रो रेटा वारंटी क्या होती है, कहीं डीलर आपसे छुपा तो नहीं रही, वो समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो आपकी बैटरी होती है और जो मोटर होती है, मान लीजिए फ्यूचर में वो खराब हो गई, तो टोटल जो आपके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की कॉस्ट है लगभग उसकी 3/4 उसकी जो कॉस्ट होती है, यानी कि 75% जो उसकी कॉस्ट है वो सिर्फ इन दो पार्ट में कवर हो जाती है। तो मान लीजिए अगर ये दो पार्ट आपके खराब हो गए, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप इनको सही कराते हैं या नया लेते हैं तो आपको लगभग पूरी उतनी कॉस्ट देनी पड़ेगी जितनी कि एक नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की होती है। तो काफी ध्यान से ये चीजें आप समझिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैक्सिमम लोड का। तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं इनके अंदर वो इंजन वाला सिस्टम तो नहीं होता जो आपके कन्वेंशनल टू व्हीलर में होता है, तो इसलिए काफी लाइट होते हैं, और जब ये लाइट होते हैं तो इनके ऊपर आप कितना लोड कैरी कर सकते हैं उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो जब आप खरीद रहे हैं तब डीलर से अच्छे से पता कीजिए कि इस पर क्या आप 2 सवारी एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा लगेज अपने साथ कैरी करना है, लोड कैरी करना है, तो क्या वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी मैक्सिमम लोड के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने होते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदते समय। आज से पहले आपको ये पॉइंट्स किसी ने नहीं बताए होंगे, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप मार्केट में बस आपके दिमाग में आया कि मुझे टू व्हीलर खरीदना है और आप ऐसे ही मार्केट में चले जाते तो आपको दिक्कत भी हो सकती थी, क्योंकि आपको ये सारे पॉइंट्स पता नहीं थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी कोई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स खरीदने की सोच रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो लेकिन किसी और के काम की हो सकती है। और अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।